ये सब शुरू हुआ ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड से। डार्कनेस से बना एक ऐसा वेपन जो यूनिवर्स के सभी गॉड्स को मारने तक की पावर रखता था। करोड़ों साल पहले नल द सिम्बियोट गॉड ने इसे बनाया, पर अब ये लोकी के पास है। वो ऑलरेडी एसगार्ड को तबाह कर चुका है। थोर ने अपनी पूरी ताकत लगाती लोकी को सूरज तक में फेंक दिया, लेकिन ऑल ब्लैक की पावर के सामने थंडर गॉड कुछ नहीं कर पाया। थोर तो इतना जख्मी हो चुका था कि वो तो हिल भी नहीं पा रहा था। थंडर गॉड को अब पता लग चुका था कि ये उसके आखिरी पल हैं, क्योंकि मौत लोकी द नेक्रो गॉड की फॉर्म में उसके सामने आ चुकी थी। लिंगेज तभी कोई पीछे से आया और उसने लोकी को ही खत्म कर दिया, और ये कोई और नहीं गॉड द गॉड बुचर था, थॉर का वही दुश्मन जिसने हजारों साल पहले गॉड्स तक को अपना गुलाम बना लिया था। पिछली बार तो उसे मारने में पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की तीनों थॉर्स की शक्ति लगी थी, लेकिन इस बार ओल्ड किंग थॉर अकेला है तो वो उसे कैसे रोकेगा। आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे। पर गाइस, अगर आपने किंग थॉर का पहला एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो उसे यहाँ से देख लेना, यह लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब चलिए बिना किसी देर के किंग थॉर के सेकंड एपिसोड गॉर एंड द लास्ट ऑफ द गॉड्स को शुरू करते हैं। थॉर जख्मी होकर जमीन पर पड़ा था। वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मर चुके थे, मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे सर को धूल बनते हुए देखा था, और बाद में मैंने ही तुम्हें उसी प्लैनेट के साथ ब्लैक होल में फेंक दिया था। गॉर ने कहा, हाँ मैं मर चुका था, लेकिन हजारों साल तक ऑल ब्लैक के साथ जुड़े रहने की वजह से मुझे इसने मरते वक्त भी नहीं छोड़ा, मैं हमेशा इसी का हिस्सा था। गॉर ने नेक्रोसॉर्ड को थॉर के आर पार कर दिया। मैं एंडलेस टाइम के लिए नेक्रो वर्ल्ड में कैद हो चुका था थॉर, लेकिन तुम्हें पता मैं खुश था, एट लास्ट गॉर को शांति मिल गई थी, आखिरकार मुझे वो दुनिया मिली जिसमें गॉड्स थे ही नहीं। और अब देखो तुम मुझे फिर से इस दुनिया में ले आए, तुम चाहते क्या थॉर, क्या मैं तुम्हें मार दूं? गॉर ने थॉर को घसीट और एक डेड बॉडी की तरह टंगा दिया। वैसे तुम्हारे भाई का शुक्रिया, ये ना होता तो मैं वापस आता ही ना। तो लोकी, ऑलमाइटी गॉड ऑफ मिस्चीफ, बुचर ऑफ ट्रूथ्स, बताओ मुझे कौन से गहरे और घिनौने झूठ तुम अपने अंदर छिपाए हो? लोकी कहता है, इस बार कोई झूठ नहीं गॉर, मैं तो बस तुम्हें ये देना चाहता हूँ, टेक इट, इन नेक्रो पावर का बाकी का हिस्सा है, इसे लो और अपना काम पूरा करो। तो उधर से थॉर ने कहा, लोकी बेवकूफ कहीं के, वो तुम्हें भी मार देगा, ये रुकेगा नहीं जब तक कि तभी गॉर कहता है, मुझे नहीं लगता तुम अपने भाई को कुछ ऐसा बता रहे हो जो ये ऑलरेडी नहीं जानता थॉर, इसे पता है इसका क्या हाल होगा, है ना लोकी? लोकी ने कहा, ये सब हम बाद में डिस्कस कर लेंगे गौर, लेकिन अभी के लिए इस डैम वेपन को लॉर्ड थॉर को खत्म करो। गौर कहता है, मैं ऑलरेडी इसे ले चुका हूँ। और गाइस, फिर ऑल ब्लैक लोकी को ही कंट्रोल करने लगी। नेक्रोसॉर्ड उसके शरीर के हर हिस्से को काट रही थी। वो भी थॉर की तरह दर्द से चिल्लाने लगा। गौर ने कहा कि तुम ये नहीं जानना चाहोगे थॉर कि तुम्हारा भाई मुझे ऑब्लिवियन से वापस क्यों लाया? इतनी सदियों की नफरत और जेलेसी के बावजूद भी लोकी जानता था कि ये तुम्हें नहीं मार पाएगा। तुम्हारा भाई अंदर से अभी भी एक डरा हुआ बच्चा है थॉर, इसलिए तुम्हें मारने के लिए इसने मुझे जिंदा किया। पर तुम बताओ गॉड ऑफ थंडर, तुम्हारे अंदर क्या है, हम भी तो देखें। थॉर ने कहा, हाँ जरूर। और ये बोलते ही थॉर की आंखें चमकी और एक थंडर ब्लास्ट गॉर पर। थॉर कहता है, लोकी गेट डाउन यू फूल, मैंने गॉर को ऑर्बिट में ब्लास्ट कर दिया है, पर वो जल्दी ही वापस आ जाएगा, अगर हमें उसे रोकना है तो एक साथ लड़ना होगा। लोकी, लोकी ने कहा, वो झूठ बोल रहा था, इस सब के लिए मैंने उसे नहीं बुलाया। थॉर गुस्से में, डैम इट, तो ठीक है फिर मैं ये खुद ही कर लूँगा, मैं अभी भी ऑल फादर हूँ और हमेशा डैम माइटी थॉर रहूँगा, अपने हैमर के साथ मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। म्योनिर ऑल ब्लैक से ढके और सूरज में कैद हो चुका था, जिससे निकलना किसी भी चीज़ के लिए इम्पॉसिबल होता, पर यूनिवर्स में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो थंडर गॉड की कॉल पर उसके हैमर को आने से रोक सके। म्योनिर उस काले सूरज से बाहर निकला, लेकिन थॉर की तरफ आने के बजाय वो तबाह हो चुके एसगार्ड की तरफ चला गया। लेकिन क्यों? दरअसल वो अपने मास्टर की मदद के लिए एक और दोस्त को लाने गया था, यानी ओडिन स्वॉर्ड। थॉर लोकी को कहता है, तुमने गॉर को रिजरेक्ट किया क्योंकि तुम जानते थे तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे मेरे भाई, मतलब अभी भी उम्मीद बाकी है लोकी, तुमने लाखों साल तक मेरा साथ दिया और मुझे वही चाहिए ब्रदर। लोकी ने कहा, तुम गलत हो, तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। थॉर कहता है, लोकी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं ये अकेले नहीं कर सकता, लेकिन अगर इस बार तुमने मुझे निराश किया तो याद रखना मैं वापिस आऊँगा अपने हैमर और गौर के खून के साथ, और तब मैं तुम पर ज़रा भी दया नहीं दिखाऊंगा। और ये बोलते ही थॉर वहाँ से उठ गया, पर लोकी वो पागल हो चुका था, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा।
उधर गौर स्पेस में तैर रहा था। थॉर के थंडर ब्लास्ट की वजह से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उसका माइंड बंद हो चुका था, लेकिन ऑल ब्लैक उसे फिर से बनाना शुरू कर देती है। और जैसे जैसे वो दोबारा जिंदा होता गया, उसे हर वो दर्द, हर वो फेलियर, उसकी फैमिली का लॉस याद आता गया जो उसने कभी महसूस किया। यानी गॉड द गॉड बुचर अब रेज में था, पर इस सब के लिए वो गॉड्स को ब्लेम करता है। और उसे पता है कि इस आखिरी टाइम में उसे फैमिली की ज़रूरत नहीं बल्कि उसकी स्वॉर्ड ऑल ब्लैक की ज़रूरत है। और फिर क्या था, गॉर यूनिवर्स में बिखरी नेक्रोसॉर्ड के हर एक हिस्से को अपने पास बुलाने लगा। ये बहुत ज़्यादा था, इतनी डार्क पावर सब कुछ तबाह कर देगी। पर थंडर गॉड भी उसकी तरफ बढ़ रहा है। गॉर, तुम मर ही रहते तो अच्छा था, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा। तभी थॉर कुछ देखकर शॉक्ड रह गया। बाय द ब्लड ऑफ एस्गार्ड, ये क्या है? तो गाइस, गॉर अब ऑल ब्लैक के सारे हिस्सों को इकट्ठा कर चुका है। वो कहता है, बिहोल्ड थॉर, ये नेक्रोसॉर्ड की ट्रू फॉर्म है, डार्केस्ट और मोस्ट पावरफुल। यही तुम्हारा अंत है थंडर गॉड। और ये बोलते ही गॉर नेक्रोसॉर्ड को चला देता है। वहीं दूसरी तरफ कई लाइट ईयर्स अवे थॉर की ग्रैंडडॉटर्स बच निकली थी। फ्रीक कहती है, नेक्रो रेवंस वापस आ रहे हैं, पर मुझे नहीं पता ये अच्छी बात है या बुरी। तो गाइस, उन रेवंस को भी गॉर ने नेक्रोसॉर्ड के ट्रू फॉर्म बनाने के लिए वापस बुला लिया था। फ्रीक ने कहा, हमें दादाजी के पास वापस जाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एलिसिफ कहती है, हाँ फ्रीक, हम जाएंगे लेकिन खाली हाथ नहीं। तो फ्रीक ने कहा, एलिए बहुत हो गया, इस किताब को बंद करो, इसमें कुछ नहीं जो हमारी मदद कर सके। एलिसिफ कहती है, बैक टू द बिगिनिंग, शदाक ने यही कहा था, और ये वही जगह है। कि तुम्हें याद आया ये सब कैसे शुरू हुआ था? एटली ने कहा, मुझे नहीं पता, शायद द कॉस्मिक गॉड। तो एलिसिफ कहती है, नहीं एटली, ये सब एक प्रेयर से शुरू हुआ था जो इस प्लैनेट से आई थी। तो गाइस, शदाक ने मरने से पहले थॉर की ग्रैंडडॉटर्स को इस प्लैनेट के बारे में क्यों बताया? यहाँ ऐसा क्या है जो थॉर की मदद कर सकता है? हु नोज। पर उधर दूसरी तरफ मिडगार्ड पर एक वंदा थॉर की प्रेयर कर रहा था। लोकी भी वहीं था। वो कहता है, मैं सुन सकता हूँ तुम क्या कर रहे हो, इसलिए इसे बंद करो, ये मुझे मरने से भी ज़्यादा अनॉय कर रही है। तो उस इंसान ने कहा, क्या मैं ये सही नहीं कर रहा? मैंने पहले कभी प्रेयर नहीं की, क्योंकि थॉर हमें हमेशा ही सब कुछ देता आया है। लोकी बहुत अनॉय हो रहा था। वो कहता है, तुम्हारी प्रेयर सुनने के लिए कोई नहीं बचा है यू मॉर्टल, हेवंस मिट चुके हैं, गॉड्स नहीं रहे, और जल्द ही तुम लोग भी खत्म हो जाओगे। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, अपने आखिरी दिनों को बिना गॉड्स की प्रेयर के जियो, तुम्हें कोई सजा नहीं देगा। पर उस इंसान ने कहा, मैं आपके लिए भी प्रे करूंगा ब्रदर ऑफ थॉर, हम सभी करेंगे। लोकी ने कहा, नो, स्टॉप प्रेइंग यू मॉरन्स ऑफ मिडगार्ड, क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा दुनिया खत्म होने वाली है? खाली आसमान की तरफ प्रेयर करके तुम क्या हासिल कर लोगे? तो गैस, बेशक लोकी सही है, पर एक गॉड अभी भी इंसानों के लिए लड़ रहा है। लेकिन गॉड की स्वॉर्ड अब प्लैनेट्स तक को खत्म किए जा रही है, और उससे भी बुरा, ऑल ब्लैक धीरे धीरे कई गैलेक्सीज को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, इसलिए जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा। थॉर कहता है, मुझे गॉर को मिडगार्ड से दूर ले जाना होगा, मैं इस गैलेक्सी को जानता हूँ, इसमें 3 सूरज हैं, अगर मैं इसे बचा नहीं सकता तो इन्हें गॉर को हराने के लिए यूज तो कर ही सकता हूँ। और फिर थंडर गॉड ने म्योनिर से पूरा का पूरा सूरज खींचा और गॉर पर दे मारा। थॉर ने कहा, जब गॉर मर जाएगा तो मैं इन्हें दोबारा बना दूंगा। लेंगे गॉर उस पूरे के पूरे सूरज को ही निगल लेता है। उसने कहा, मुझे तुम्हारा ये आइडिया अच्छा लगा, पर इसी वजह से तो इंसान कमज़ोर बन चुके हैं थॉर, देखो अभी भी तुम्हारी ही प्रेयर कर रहे हैं, क्या हो तुम उनके लिए, एक सेवियर? थॉर ने कहा, हाँ मैं वही हूँ, और इसलिए आज तुम मरोगे गौर। थंडर गॉड म्योनिर से गौर पर वार करने लगा कि तभी नेक्रोसॉर्ड उसे रोक देती है। गलत थॉर, तुम कोई सेवियर नहीं हो, अगर होते तो इस प्लैनेट के लोग कभी नहीं मरते। ओ माइटी थॉर, किस तरह के गॉड हो तुम, देखो इन हड्डियों को, ये वो लाइफ है जिसे तुम कभी बचा नहीं पाए, इसलिए तो मुझे गॉड से नफरत है। और अब तुम्हारे वो प्यारे इंसान जो मिडगार्ड से तुम्हारी प्रेयर कर रहे हैं, वो भी इन्हीं लोगों की तरह मारे जाएंगे। आई एम गोइंग टू बुचर देम ऑल, हर एक आदमी, औरत और बच्चा, हर कोई मेरे हाथों मारा जाएगा, और तुम बस देखते रह जाओगे। ये सुनते थॉर ऑल ब्लैक से बाहर निकला, कभी नहीं, थंडर गॉड अर्थ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्या वो काफ़ी होगा? क्योंकि गॉर बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो थॉर को बहुत बुरी तरह मारे जा रहा है। गॉर कहता है, हाँ थॉर, इंसान अब मेरे हाथों मारे जाएंगे, और फिर मैं उन्हीं की हड्डियों से एक नई लाइफ बनाऊंगा जो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती होगी। गॉर ऑल ब्लैक को थॉर के अंदर डालने लगा। ये बहुत बुरा था, अगर ऐसा हुआ तो वो जिंदा नहीं बचेगा,
कि तभी कोई पीछे से आया और उसने गौर को गले से पकड़ कर घसीट लिया। ये लोकी था, वो कहता है, मुझे लगता है हमें हमारी डील दोबारा डिस्कस कर लेनी चाहिए सर बुच्चे। मैंने तुम्हें ओब्लिवियन से इसलिए समन नहीं किया कि तुम थॉर को मार सको। लोकी तब से गॉड्स को मारता है जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, यू लिटिल अगली क्रीचर। मुझे तुम्हारे जैसे किसी केवमैन की ज़रूरत नहीं जो एक रॉक के टुकड़े की शक्ति से सबको डराता फिरता। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ गॉड बुचर, क्योंकि तभी गॉड लोकी के हाथ को ही काट देता है। उसने कहा, ओह आई सी, अब मैं समझा। अगर थॉर मर जाता तो उसके बाद भी एक लाइफ बच जाती जिसे तुम कभी खत्म नहीं कर पाते, यानी मैं। इसलिए तुम थॉर के हाथों मुझे मरवाना चाहते हो। तुम्हें सच पता था लोकी, है ना? पर अब तुम कभी देख नहीं पाओगे। गॉड लोकी को मारने लगा। ऑल ब्लैक लोकी की बॉडी को खाने लगी कि तभी थॉर का उस पर एक जोरदार वार, मेरे भाई से दूर हटो, और फिर म्योरनिर से एक और स्ट्राइक और गॉड बुचर एक मीटोराइट में जा घुसा। थॉर ने कहा, लोकी तुम वापस आ गए, मुझे यकीन था। लोकी कहता है, बेवकूफ मत बनो थॉर, गौर सही था, मैं बस तुम्हें मारना चाहता था। तुम्हारे बाद वो मुझे ख़त्म कर देता और यही मेरा प्लान था, पर इस बेवकूफ़ ने सब गड़बड़ कर दिया। थॉर ने कहा, नहीं लोकी ऐसा नहीं है, तुम मेरे भाई हो और हम अभी भी उसे रोक सकते हैं। लोकी कहता है कि तुम देख नहीं सकते उसने मेरी क्या हालत कर दी है। तो थॉर ने कहा, कोई बात नहीं लोकी, मेरे पास अभी भी मेरा हैमर है, उसने बस तुम्हारा शरीर काटा है, तुम्हारा माइंड नहीं। हम इसे कैसे हराएंगे लोकी, तुम ये कर सकते हो, तो प्लीज़ बताओ मुझे। लोकी कहता है, हम ये नहीं कर सकते भाई, शायद लगता है मेरे सारे झूठ अब ख़त्म हो चुके हैं। गौर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, सही भी, और हम बूढ़े हो चुके हैं, शायद यही हमारा अंत है थॉर। पर पता है सबसे बुरी बात क्या होगी, मैं तुम्हें तड़पते हुए देखने के लिए ज़िंदा नहीं बचूंगा। थॉर ने कहा, नहीं लोकी मुझे ये नहीं सुनना, मैं इस मॉन्स्टर को पहले भी हरा चुका हूँ और इस बार भी मैं ये कर सकता हूँ। मैंने गौर जैसे कई लाखों बुचेस को हराया, मैं अभी भी माइटी थॉर हूँ, क्या तुम ये भूल गए? तुम जिंदा रहोगे लोकी, ये मेरा वचन है। गॉड ऑफ थंडर आखिरी सांस तक लड़ेगा, क्योंकि तभी गौर ऑल ब्लैक से लोकी और थॉर दोनों को घेर लेता है। उसने कहा, गौर जैसा कोई और बुचर नहीं है गॉड ऑफ थंडर। थॉर कहता है, गौर कायर कहीं के, शो योर सेल्फ, फाइट लाइक अ मैन। गौर ने कहा, ओह लाइक अ मैन, वो तो मैं कब का नहीं रहा, और ना मैं तुम जैसा हूँ थॉर, अब मैं गॉड से भी बड़ा हूँ, मैं एक फोर्स ऑफ नेचर हूँ। गॉड्स बेशक पानी पर चल सकते हैं, पर गौर समंदर है, और अब मैं थक चुका हूँ, तो तुम्हारे डूबने का टाइम आ चुका है गॉड्स ऑफ एस्गार्ड। और गाइस ये बोलते ही ऑल ब्लैक थॉर और लोकी दोनों को निगल लेती है। थॉर कह रहा था, लोकी मैं इस डार्कनेस को नहीं रोक पा रहा। लोकी ने कहा, मैंने तुमसे ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था थॉर, मुझे मरने दो डैम इट। थॉर कहता है, क्या बस यही मेरे भाई? पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने झूठ कहा था, माँ ने कभी उम्मीद नहीं खोई थी तुम पर, तो कभी नहीं। उनके आखिरी शब्द यही थे कि अपने भाई को कभी मत जाने देना। उन्होंने कहा था कि तुम एक दिन सबको बचाओगे, पर मुझे लगता है ऐसा नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी माँ, पर मैंने आपको निराश किया। आई एम सॉरी, मैंने हम दोनों को निराश किया लोकी। और गाइस यही थॉर के आखिरी शब्द थे। डार्कनेस उन्हें निगल जाती है। लोकी और थॉर के हाथ हिलना बंद हो गए। थंडर गॉड की आंखों में कोई चमक नहीं रही। क्या ये अंत है? अगले एपिसोड में हम यही जानेंगे। पर गाइस जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो 7000 लाइक्स का टारगेट पूरा कर देना, जितनी जल्दी ये कम्प्लीट हो जाएगा वैसे ही नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। आज की वीडियो लेट आई क्योंकि हमारे घर गेहूँ की कटाई चली हुई है, पर नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी। पिछला एपिसोड यहाँ से देख लेना, और अगर इस वीडियो को बहुत दिनों बाद देख रहे हो तो नेक्स्ट एपिसोड आपको यहाँ मिल जाएगा। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।